देखो जी। अरे महुआ हो या अंगूर, अरे क्या पागल तू फिर आ गया? जी आ गया आपका सुरूप का इक्का। हम पागल हैं? बात करता, तुम पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारा पूरा खानदान पागल। दोबारा हमको पागल बोले ना तो ऐसा गर्मा गर्म कनपट्टा में मारेंगे ना, फड़फड़ा के गिर जाओगे। है? आ बेटा भोल सिंह। हाँ मालिक। अगर पागल बोला ना ले तो गर्दन काट के लटका देंगे। बात पीने वाले खूब पियो चाहे जुलनी तलक बिक जाए। क्या चाहिए मेरे बताओ? 500 रुपया। 500? बस बस। तुम 500 का यार ट्रेन, तुम 2000 ले हो। और सुनो, हम तुम्हारे लिए 1500 नहीं बेटा, पूरी की पूरी जायदाद दे देंगे। हाँ? तुम्हारे बाप की तरफ थोड़ी है यार। सही करे ना बे। हमरे बाप के पास पैसा बहुत है। हाँ? तिजोरी एकदम खचा खच भरा हुआ है। पता है बे? लेकिन जब हमको पैसा देने का बारी आता है तो पॉकेट से चबन्ने भी नहीं निकलता है। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी। इसीलिए खजाना जो है धीरे धीरे करके हम खाली कर रहे हैं। और एक दिन पूरा सफा चटका देंगे। बढ़िया, वेरी क्यूट। ऐसे नहीं, हम बताएं वैसे। स्टाइल पुराना पुराना वाला स्टाइल है। हाँ 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 Very cute. पीने वाले खूब पियो चाहे लोटा तलक मिल जाए। ये बताओ, दारू वारू पियोगे? शकुनी, है ना? ना ना ना, ऐसे नहीं, आराम से, चुल्लू से, चुल्लू ऐसे ऐसे। ले सेट 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 सेट। महुआ हो या अब आराम से आराम से। ए भीम सिंह जी, फिलहाल इसको समझ गए। ले 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 ए, शाबाश। आराम से, आराम से बेटा। पीने पीने तुमको ही पीना है। लो अरे पीना बहुत जरूरी। अरे बुआल, बुआल बोतल उठा। पीने वाले, अरे 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 पागल तो लुढ़क गया। एक काम करो बुआल सिंह। हाँ मालिक। कुत्ते की जगह दहलीज के बाहर फेंको। उठा गए इसे। भीम सिंह लात मार के फेंको इसे बाहर। साला कुत्ता, साला कुत्ता है। अरे कुत्ता बोल रहा है। उठो प्रेम। आ ले जाते चलो प्रेम। मेरा काम हो गया आज का, चलो घर चलते। कोई सचमुच चिल्ला रहा था कि सपना देख रहे थे? नहीं बेटा, यहाँ तो पूरी शांति है, कोई नहीं चिल्ला रहा था। कैसा सपना है रे? जैसे पिताजी जाते हैं इसका सपना टूट जाता है और आंख खुल जाती है। चोर कहीं का। चोर? हम और चोर? ये बात कोई और बोलता तो शायद हम बर्दाश्त कर लेते। माँ ने बोला, भोलेनाथ उठा लो हमको। माँ ने चोर बोला है? हाँ बोला, चोर चोर बोला मैंने। क्यों करता है सब कुछ? सुधार अपने आप को, वरना तू हमेशा कहते ना
हे भोलेनाथ मुझे उठा लो, भोलेनाथ मुझे उठा लो। एक दिन पापा तुझे मार मार कर सचमुच भोलेनाथ के यहाँ पहुँचा देंगे। हाँ देखो माँ, मेरे रगों में रमाकांत सिंह का खून है। अच्छा, गर्दन कटा देंगे लेकिन चोरी पाप है माँ, पाप, चोरी नहीं कर सकते। कितनी बार तुमको समझाया कि चोरी चकारी मत किया करो, क्यों करते हो तुम? अब पिताजी की तरह तुम भी भाषण मत दो। पिताजी के पास इतना धन है कि दोनों हाथ से पूरा जीवन भी अगर लुटाएंगे ना, तब भी खजाना उनका खाली नहीं होगा। अच्छा, ऊपर से तुम एक बेटे उनके होनहार बेटे उस धन को और बढ़ाने में लगे हो। कोई एक लायक लड़का तो होना चाहिए उस खजाना को खाली करने के लिए। और वैसे भी समंदर से दो चार लोटा अगर पानी निकल भी जाता है तो समंदर सूख थोड़ी ना जाता है। क्या प्रवचन दिया है बाबा प्रेम ने है? मेरे भाई, ये प्रवचन खत्म हो गया हो तो जरा ला घड़ी और चेन दे दे, पिताजी बहुत गुस्सा करके गए हैं। जुआ में हार गए। ये देखो माँ। अरे जुआ खेलने के लिए दिमाग चाहिए होता है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्यों खेलते हो तुम जुआ? अरे कलम जीत गए होते, बेईमानी किया वो मेरे साथ में। और इस बेईमानी को पकड़ने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है जो माँ? इसका तो शायद बचपन में छिटक के गिर गया था, यही बोला था ना ये? हाँ, बिल्कुल गिर गया था। फिर महापुरुष, ज्ञान का समस्त अकूत भंडार तो आपके मस्तिष्क में ही समाहित है, मेरा तो पूरा ऊपर वाला माला ही खाली है। अब चैन से हमको जीने दोगे कि माथा फोड़ ले अपना हम? ओ फोड़ ले माथा, क्या इसकी बातों में आ रहा है? जा अपना काम कर, अगर इसकी बातें सुनता रहेगा ना अपनी वकालत भूल जाएगा। जा। यही लग रहा है माँ हमें तो। अच्छा खुश रहे। अच्छा माँ सब खाली। चलबू का सनीमा कहे तोरे घर माई बहन ना है? तोहार मेहर ना है? अरे मरी गयनु अब है मारा मरी जाबा। हे हम कहे मारा मरी बुढ़िया, तोहार माई मारा, तोहार बाऊ मारा, तोहार सारा सा खानदान मारा, हम कहे के मरी? हे डंडा उंडा मत दिखावा हमके, डंडा क्या पसंद काटा, छोड़ छोड़ डंडा रमुआ। अरे का बा भौजी, अरे भैया अरे जानिया, अरे भैया रु तकुआ तेरे मर्द ने बनवाया है, पर ये पानी तो इस धरती से निकलता है ना, वो तो तेरे ससुर का नहीं है। चल हट यहाँ से, नहीं तो कुआ में डाल के जल समाधि बना देंगे। हाथ लगा के तो दिखा। हाथ क्या, तुम्हें तो इस कुआ में डाल दूंगी मैं। हिंसा महापाप है, महापाप है, लेकिन इन दोनों को देखो पानी के लिए जान लेने पर आमादा है। आज ये बाल्टी फेंक देते हैं, न रहेगा बांस न टूटेगा टंगड़ी। ए मौसी, काहे 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 झगड़ा कर रही हो तुम लोग? तुमको कौन बीच में बुलाया? अरे हमको कोई भी बुलाए, लेकिन हिंसा महापाप है, आपस में लड़ना ठीक बात नहीं है ना। ये कुलक्षणी कह रही है, ये कुआं इसके बाप ने दहेज में दिया है, अब इस पे ये कुंडली मार के बैठेगी। हाँ रे चुड़ैल डैन, ये कुआं हमारे बाप ने ही हमको दहेज में दिया है, बोल क्या करेगी कलमू ही कहीं की। राम 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 राम, आवत गारी एक है उल्टा धोत अनेक, कहे कबीर न उलटिए वही एक की एक। गाली गलौज मत करो माता। गांधी बाबा के चेला तो निकल यहाँ से, भाग पगलवा। हम तो भाग जाएंगे लेकिन पानी कैसे भरोगी तुम? बाल्टी से और कत्तों का कुएं में डाल के निचोड़ेंगे। हमको काहे निचोड़ोगी, लेकिन बाल्टी कहाँ है? कहाँ है? कुआं में। कौन डाला? ये तो हम ही डाले होंगे, शुभ काम हमरे अलावा कौन कर सकता। अरे अरे मौसी, अरे अरे दाग बिठवा है मौसी, अरे गद्दा समझ के सुना तो क्या है? अरे मौसी छोड़, अरे हम प्रेम नहीं है, अरे वो है ससुराल, वो प्रेम है, पकड़ो उसको, चलो। तू कहाँ से आया बीच में? आ गई आराम से। आ गई, बैठो बेटा, ये है हमारी बेटी अंजलि। वैसे दीदी एक बात बताएं, आपका बेटा और हमारी बेटी बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लगेगी। अगर सूरज हाथ में लेकर ढूंढने जाओ ना, तब भी ना मिलेगी ऐसी जोड़ी। भाग्य लक्ष्मी, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है, ये रिश्ता मेरे बड़े बेटे अमर के लिए नहीं, मेरे छोटे बेटे प्रेम के लिए है। वो बहुत अच्छा है, बहुत गुणी है और बहुत खूबसूरत भी है, आप देखेंगी ना तो चकरा जाएगी। अंजलि, अंजलि
लगता है शायद शादी की बात सुन के घबरा गई है। अगर आप परमिशन दे तो मैं बात करके देखता हूँ। हाँ बेटा, इसमें परमिशन मांगने की क्या जरूरत है, वैसे शादी हो के आपके घर में ही तो जाने वाली है और मॉडर्न जमाना है। जाइए ना, बात क्या कह रही हो तुम? अंजलि, क्या सोचा तुमने? हाँ, खिलौना है हम? जब तक चाह खेले मन भर गया तो अपने लाडला भाई के सामने पटक दिए। तुमको कौन हक दिया कि हमारी जिंदगी का फैसला तुम करो? हमको मालूम है कि तुम हमारे फैसले का मान रखोगी। अरे काहे मान रखे हम तुम्हारे फैसले का? काहे मान रखे? हम तुमसे प्यार किए हैं, कोई कर्जा नहीं खाए तुम्हारा, प्रेमिका है हम तुम्हारी, गुलाम नहीं। हमारे भाई के बहुत उपकार हैं हम पर। तुम्हारे भाई ने तुम पर उपकार किए हैं तो तुम चुकाओ। हम ही तो चुका रहे हैं अंजलि। तुम हमसे दूर होगी तो हमको दुख नहीं होगा क्या? तुम्हें दुख नहीं होगा? अगर ऐसा होता ना तो तुम ये जो हरकत किए हो ये नहीं करते। हम अभी बाहर जा रहे हो, सबको सब सच सच बता रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी अंजलि, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, तुमको हमारे प्यार की कसम। हमारा जीवन कोई कोरा कागज नहीं है अमर, जो अपने भाई के एहसान के तले दबा इंसान हमारी तकदीर लिखते हैं। प्यार का एक नाम बलिदान भी है ना अंजलि। आज तुमसे तुम्हारे उसी प्यार के बलिदान की भीख मांगते हैं। हमारी बात मान जाओ, जीवन भर तुम्हारा उपकार मानेंगे। प्लीज उठो। हमें इतना बताओ, जिसे तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे भाई के नाम का सिंदूर अपनी मांग में डालकर तुम्हारे सामने रहेगी तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? भाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। वाह अमर, वाह। जाइए जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम बलिदान की बातें कर रहे हो ना, हमारी भी एक शर्त है। अगर इस बलिदान के दौरान तुम्हारी आंखें नम हुई या तुम्हारी आंख में एक भी आंसू आया तो सारे लोक लिहाज भूलकर भरे समाज में तुम्हें अपने गले लगा लेंगे और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखेंगे, लेकिन बस बस अमर, बस जाओ शादी की तैयारियां करो। हम करेंगे तुम्हारे भाई से शादी। जाओ। आपको प्यार करता था, वो भी हमको मारा। वाह, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है ना? मतलब निर्लज्जता की तो तुम हद पार कर दिए हो। तुम्हारी जान बचाने के लिए हम उस साधु के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी और तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो। शर्म की बात करते हो तुम? आज तुम्हारे ही कारण हमारे भाई ने हमारे ऊपर हाथ उठाया है। एक ऐसा भाई जिसने कभी हमको छुआ तक नहीं, तिरछा निगाह से हमको नहीं देखा। ऐसा कौन सा जादू किया है तूने मेरे भाई के ऊपर कि एक भाई ही मेरा दुश्मन हो गया? और
तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसकी सजा जरूर तुम्हें मिलेगी। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। सबसे पहले तुम्हारे अंदर से उस माता का भूत ही बाहर निकालते, ऐसे तुम नहीं मानोगी। तुम पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ पागल हो गए, तुमने एक भाई को मेरा दुश्मन बनाया है। वो अमर मेरा वो भाई था जिसने मेरे लिए सबसे लड़ाई की। बाप ने कभी हाथ उठाया तो बाप का हाथ पकड़ा, गांव वालों ने पागल बोला तो गांव वालों को तोड़ा उसने, और आज उस भाई ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे गाल पे थप्पड़ मारा अंजलि सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं छोड़ो मुझे, दो भाई के बीच में दीवार तू ही है, आज उस दीवार को हम गिरा देंगे, आज सब कुछ खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे सब कुछ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा देखो आपका प्रेम आपको छोड़ के जा रहे। पापा नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते, बहुत कष्ट दिया है ना मैंने आपको। नहीं बेटा नहीं, अब आपको कोई शिकायत करने नहीं आएगा, शिकायत करने नहीं आएगा पापा। नहीं एम्बुलेंस को बुला ना, अब आपको कोई शिकायत करने नहीं आएगा प्रेम। पता नहीं भोलेनाथ मुझे दूसरा जन्म देना थे, लेकिन एक बार उससे जाके कहेंगे जरूर कि एक जन्म को और दे पापा, आपकी बहुत सेवा करना चाहते हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते अंजलि, हमको माफ कर देना, माफ कर देना, अच्छे बुरे की समझ नहीं थी ना आपको, तुम तो भाई की अमानत थी। भाई को सौंप के जा रहा हूं, भाई को सौंप के जा रहा हूं, बहुत दर्द हो रहा है माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुक्ति दे दो माँ हमको, मुक्ति दे दो माँ, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। ममता ये क्या किया तुमने? प्रेम बाबा, प्रेम 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 बेटा, अगर तुझे कुछ होगा ना तो तुम्हारी माँ भी उस दिन नहीं रहेगी, हम मर जाएंगे तुम्हारे बगैर। देखो ना ममता, ममता 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 ममता।
जन्म मृत्यु के भंवर से भले ही कोई मुक्त हो जाए, परंतु रिश्ते प्यार और संबंधों से मुक्ति नहीं मिलती।